अचानक सफरनामा के क्रम में हमारा चैनल निकले तो अचानक देखा कि कुछ पुलिस वाले हमारे खड़े थे। अचानक लालसा हुई कि चलिए आज हम डीजीपी के नए जो नोटिफिकेशन नए उनका अध्यादेश जारी हुआ था कि कोई भी अब कांस्टेबल या हवलदार ड्यूटी क्रम में मोबाइल का यूज नहीं करेंगे। तो संजोग से हम खड़े हैं रिविलगंज थाना का क्षेत्राधिकारी, ये मुकरेड़ा है, ये अच्छे ड्यूटी करने वाले के लिए हम अपने चैनल के माध्यम से आपके छपरा एसपी से, डीआई साहब से और डीजीपी साहब से अनुरोध है, पहला चैनल है कि इन लोग का रिवार्ड दिया जाए। प्रायः तो रोजे सिपाही के विरुद्ध जाता है, पुलिस वाले ऐसे करते हैं ये करते हैं, लेकिन पहला चैनल हम अवार्ड के लिए हम खुद गवाह बन करके हम आपके पे। चलिए शुरुआत करते, कारण क्यों हमने देखा, जब यहाँ खड़े दो सिपाही देखे हमारे ऑन ड्यूटी चुस्त हैं, दोनों स्मार्ट हैं आपको, और किसी के हाथ से मोबाइल नहीं मिला, जो हमारा पर्पस था कि मोबाइल, लेकिन मोबाइल नहीं मिलना ही दर्शाता है कि यहाँ के सारण एसपी साहब का नियंत्रण अच्छा है, थाना प्रभारी जो होंगे थाना अध्यक्ष रिविलगंज का भी अच्छा है, और संजोग से नए 2019 बैच के जो एसआई खड़े हैं ये भी चुस्त दुरुस्त पाएगा, अच्छा लगा। क्या नाम है आपका? राजीव कुमार। राजीव जी, राजीव जी आपने जो ड्यूटी किया तो आप जो ये लोग मोबाइल नहीं लिए हैं, जो कॉमन सभी मोबाइल महिलाएं आरक्षियों के सबके यहाँ मोबाइल हम देखते हैं, लेकिन आपके साथ नहीं लिया, कारण क्या है? ये हमारे एसपी साहब का आदेश है कि वर्किंग आवर में कोई भी कांस्टेबल मोबाइल का यूज नहीं करेगा जी। चलिए आप 2019 बैच के, हमारा आशीर्वाद रहेगा आपको नए बैच के भावी आप अच्छे SHO इंस्पेक्टर DSP बने, क्योंकि खुद हम भी खुद पुलिस सेवा से सेवानिवृत्त होकर मैंने चैनल अपना खोला, ये अब ये बता रहे हैं, मेरा नाम डॉक्टर बालेश्वर प्रसाद हुआ, और इस तरह से हम छोटा सा क्लिप जो देखकर खुशी होती है, जब हमारे पुलिस वाले चुस्त जवान ड्यूटी करें, जो सीधा ये पहला वीडियो हम पोस्ट करते हैं DIG सर को, सारण DIG साहब हैं, और SP साहब को और DGP को, सर इन लोग को हमारे जनहित में, हमारे अनुशंसा कह सकते हैं, चाहे हमारे रिक्वेस्ट पर कुछ तो रिवार्ड लेने का हकदार है। फिर मिलेंगे, जय हिंद।